कृष्णा बाब है, मतलब बहुत ही अच्छा डांसर। ये सारी चीज़ को भगवान ने दी है। सबसे पहले तो गोविंदा का भाई और मेरे बाजू में बैठना, ये किस्मत की बात है। उसके अलावा 6'3" भगवान हाइट भी देता, इसको हाइट दी है। डांस देना तो इसको डांस दिया, वाइफ दी तो इसको वाइफ दी है। शो मिले तभी किसी के लोगों को शो भी छीन भी लेता है, किसी के शो में घुस भी जाता है। तो ये सारे टैलेंट एक ही बंद में है, वो है कृष्णा। और तो अगला एल्बम मेरे साथ ही है। हाँ नहीं, अगला नहीं, अभी मुझे अपनी फिल्मों में गवा रहा है और बहुत सपोर्ट कर रहा है, थैंक यू सो मच। एक गाना मैंने गा दिया है, एक गाना मैं और गाऊंगा। और एक्टर भी आ रहे हैं इनकी, दो, एक मूवी बन चुकी है, एक मूवी और इनकी आ रही है। सो माई बेस्ट विशेज। एक ही आदमी जो हर जगह ऑलराउंडर है, हर जगह घूम जाता है, चाहे आप रियलिटी शो में ले आओ, फिल्मों में ले आओ। जब इनको टैलेंट दिखाने का मौका मिला तो इन्होंने दिखा दिया। अभिषेक जी के साथ जो फिल्म आई थी बोल बच्चन ने, छा गए थे भाई साहब। सो मैं शुरू से इनको बहुत प्यार करता रहा और अभी भी करता रहूँगा। तो मैं पहली बार मेरी, मैंने इतने बड़े स्टार को, मैं क्या यार छोटे बच्चों को आप सपोर्ट करो, सो थैंक यू कृष्णा। लास्टली जानना चाहूँगी, देयर इज ऑल्सो रिपोर्ट दैट कि आप और भारती एक शो लेके आ रहे हैं जो कपिल के शो को रिप्लेस कर रहा है, इज इट ट्रू? नहीं नहीं, मैं, हम लोग उसके शो को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, बट लास्ट अभी मेरा ड्रामा कंपनी कर रहा था तो अभी जनवरी में ख़त्म हुआ है, तो वी आर प्लानिंग अ न्यू शो ना। तो अभी चक्कर ये हो गया कि मेरी, हमारी और मेरी भारती की प्लानिंग तो 2 महीने से चल रही है। अब मुझे क्या पता था कि ऐसा कुछ पंगा हो जाएगा और स्लॉट खाली हो जाएगा। मुझे तो था कि वो नया शो चलेगा। तो चक्कर क्या है कि जब भी हम कोई शो लाते हैं वो खुद स्लॉट खाली कर देता है। जब हम लोग लाइव ओके पे वो छोटा शो करते थे, हम लोग कॉमेडी क्लासेस, ठीक है, उसके बाद हमें था कि हमको कोई बड़ा शो करना चाहिए, जिस वो भी अच्छा। कमाल की एक चीज़ है कि इनके साथ, हाँ, हम लोग ऐसे जुड़े हुए हैं कि हर शो की शुरुआत हमने इन्हीं के साथ की। मेकअप आजी बचाओ, कोई आने को तैयार नहीं था कि बचाओ में कैसे होगा, और मिक्का पाजी ने आए, मिक्का पाजी और सोहेल भाई, इन्होंने सपोर्ट किया, फिर सलमान भाई आए तो हमारा शो चला। तो जब भी हम कोई चैनल पे जाते हैं वो खुद स्लॉट खाली कर देता है, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं। तो अभी भारतीय और मैं, बचाओ शो था इसमें, मैंने नहीं जाना था। सबसे पहले गेस्ट सलमान भाई थे, उन्होंने बोला नहीं पहले मैं 2 प्यारे बच्चे भेजता हूँ, इन पे पहले अजमाओ, फिर मैं देखता हूँ हुआ क्या क्या देखता हूँ। तो हम बलि के बकरे बने, बट वी लव यू भाई, अब जहाँ कहोगे हम वहाँ खड़े हैं आपके लिए। तो शो इतना बड़ा हिट गया, एंड दोनों का कंपैरिजन नहीं है, कपिल अपनी जगह बहुत अच्छा है एंड नंबर वन है हमारे दिल में भी, हिंदुस्तान में भी। एंड उसके बाद अगर कोई शो को चलाता है तो कृष्णा के लिए भी मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात है, शो चलता भी है। मैं खुद कृष्णा का फैन हूँ, भले हमारी बहुत बेइज्जती करता है बचाव में, लेकिन फिर भी हम खुशी खुशी वो चीज़ें सहते रहते हैं। थैंक यू। क्यों नहीं आ सकते? मैं इसलिए मैंने फ़ोन किया 5 साल बाद उसको, मैंने बोला यार नहीं, आई वुड लव टू, अच्छी बात है अगर हम लोग साथ में काम करें, मैं कपिल हो, भारती हो, जब हम अलग अलग शो चला रहे हैं अगर हम साथ में मिल जाएं तो बहुत बढ़िया शो प्लान हो सकता है। तो वी वॉन्ट के वो ये चीज़ों से, ही शुड गेट वेल नाउ सून एंड ही शुड कम बैक नाउ। मैंने उसको भी मैसेज किया, ही शुड कम बैक स्ट्रॉन्ग नाउ विद अ बैंग अगेन, पीपल विल गिव यू चांस बिकॉज पीपल लव यू। तो मैं चाहूँगा कि उसके साथ मैं काम करूँ और हम साथ में शो लेकर आऊँ जल्दी। सब मिल के गाएं क्योंकि नवराज और राहुल को एंड में हम गाएंगे, दोनों बहुत टैलेंटेड हैं। मैं अच्छा सिंगर हूँ, मैं पॉपुलर हूँ और ये बहुत अच्छे सिंगर है, तो मुझे लाइफ में पॉपुलर ही बनना है, अच्छे सिंगर तो दोनों मेरे भाई हैं। तो मैं इनको एंड में गवाऊँगा कि जब ये गाते हैं तो हम गा नहीं पाएंगे, बहुत सुर में गाते दोनों मेरे भाई। तो मैं सिंपल सा कोई भी कौन सा गाना गाऊँ, गुल्ले वाले गाऊँ, मुझे याद नहीं है गुरुदा। चलो सलमान भाई के लिए गाना, वैसे तो रेस्त्री में भी मेरा गाना आ रहा है एंड ये न्यूज़ मैंने आपके लिए खोल दिया सबके लिए, सो थैंक्स टू सलमान भाई। एक गाना मैंने अपने लिए बनाया था, पॉप सॉन्ग मैं बनाना चाहता था उस गाने को, तो उन्होंने बोला बहुत अच्छा गाना, बहुत अच्छा गाना, तब उन्होंने गाना कहा कि ये मेरे गाना मेरे लिए रखना तुमने, तो वो गाना रेस्त्री में अभी आ रहा है, लेकिन मैं सुनाऊँगा नहीं, तो मैं पुराना गाना गा देता हूँ।
और सारी की सारी है तू काला बारी के मुश्किल है तुझको बचाना मारी ना डाले मेरी जान निकाले उफ अल्लाह बचाए मुझे हाय तेरे वारसे थैंक यू दो लाइनें राहुल भाई हमारे एंड में पंजाबी एंड में कृष्ण आज हो जाए दो लाइनें आज हो आप बहुत अच्छा गाते हो कंपनी का लॉन्च है आप आते करके वाली के गाना एक लाइन सुना दे राहुल बोलिए पता नहीं कल शाम से ही एक गाना जहन में बहुत ज़्यादा चल रहा है आई डोंट नो व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट बट जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते वो फिर नहीं आते जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते वो फिर नहीं आते थैंक यू मेरे भी जहन में ना एक तीन चार महीने से गाना चल रहा है और मार्केट में भी चल रहा है वो सुनाता हूँ ओ चल कुड़िए नी चल हो तैयार देसी दारू इंग्लिश बार चल कुड़िए नी चल हो तैयार देसी दारू इंग्लिश बार छोटे छोटे पैग मार में भी छोटे छोटे पैग मार छोटे छोटे पैग मार में भी छोटे 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 मैं मिका पाजी का गाना गा देता हूँ जो मेरा फेवरेट है मैं हमेशा वही गाता हूँ ओ दुनिया चले पिछाड़ी तो मैं चलूं अगाड़ी सब खेल जानता हूं मैं हूं बड़ा खिलाड़ी सुमड़ी में लेके जाऊं और सबको मैं सिखाऊं क्या चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता नॉट बैड मैं अगले एल्बम में आ सकता हूं कोई ट्यूनिंग अगर हो जाए मेरी उनको भी ले लो अरे वो बोलो थैंक यू सर सामने सुमित के लिए स्माइल करनी पड़ेगी मैं बहुत लगी हूँ कि सुमित हमें बख्श देता है वरना आप यूट्यूब पे देखेंगे तो सुमित के क्वेश्चंस तो वो थैंक यू सर आपका सोलो भी मिश्रा जी एक्चुअली नो भाई हां थैंक यू सर थैंक यू कृष्णा कृष्णा
रेडी। हाय दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मीका सिंह और आज हम बहुत ही प्यारा गाना लॉन्च हो चुका है। ऑलरेडी दो दिन पहले ही गाना रिलीज़ हुआ और बहुत ही अच्छा इसका रिस्पांस है, पूरे सोशल मीडिया पे भी, टीवी पे भी, वर्ल्ड वाइड हमने ये गाना रिलीज़ करा है। एंड बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे ईमेल आ रहे हैं कि गाना बहुत अच्छा है, सिंगर बहुत अच्छी है। सिंगर का नाम है तारिका है एंड गाने का नाम है हुल्ले हुलारे। सो आई एम सो हैप्पी कि आज गाना फाइनली लॉन्च हो गया एक अच्छे तरीके से। जी मैं मीका जी से इनफैक्ट पिछले 6-7 साल से उनके साथ काम कर रही हूँ। मैंने जब शुरुआत की थी आई वॉजन टू इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक एंड जबकि मेरी मॉम भी सिंगर हैं, बट मेरे अंदर वो म्यूज़िक का इंटरेस्ट जगाने वाले मीका जी हैं बिकॉज द वे ही परफॉर्म्स एंड इंटरेक्ट्स विद हिज ऑडियंस एंड ऑल ऑफ दैट। मुझे वो एक दिल में है कि वाह, मुझे भी ये सीखना है, मुझे भी करना है। तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है एंड उनके साथ आज ये गाना मेरा रिलीज़ हुआ है। इट इज़ नथिंग कुड बी बेटर आई बिलीव। हाँ जी, मई फैमिली टचवुड हैज़ बीन वेरी वेरी सपोर्टिव। माई पेरेंट्स, माई डैड हैज़ सपोर्टेड माई मॉम अलॉट एंड माई पेरेंट्स टुगेदर हैव सपोर्टेड मी अलॉट। मेरी मम्मा का नाम है पूनम भाटिया, उन्होंने काफ़ी प्लेबैक किया इंडस्ट्री में। इवन माई नानी इज़ अ डबल संगीत विशारद, सो आई बिलोंग टू अ म्यूजिकल फैमिली। मैं उनके जैसे कभी ट्रेनिंग मैंने ली नहीं थी, बहुत लेट शुरू किया, बट नाउ दैट आई एम इन इट आई रियली इन्जॉय इट एंड आई होप टू डू ब्रिंग अ लॉट ऑफ मोर म्यूजिक टू यू गाइज। जी हाँ जी, वेल डिफरेंट काइंड ऑफ सिंगर्स हैं जिनका अलग अलग जॉनर है। कोई लोग बहुत अच्छा क्लासिकल गाते हैं, उनको भी हम आगे लेके आ रहे हैं। एंड बहुत सारे लोग हैं जिनको पॉप में बहुत अच्छा उनका गला चलता है। बहुत सारे रैपर हैं, बहुत सारे रैपर सिंगर्स हैं, सो बहुत सारे पंजाबी सिंगर्स हैं, फोक सिंगर्स हैं, सूफी सिंगर्स हैं। सो बहुत जल्द आप इन सबको देखते रहेंगे। एंड ऑलमोस्ट हमने 100 वीडियोज़ तो अभी तक कर ही दिए हैं और 100 हमारे ऑलरेडी रेडी हैं। जो हमारा ये टारगेट नहीं कि हम हर रोज़ वीडियो डालें, हमारा टारगेट क्या है कि अच्छा क्वालिटी वर्क हमारा हो। चाहे एक गाना हम महीने में रिलीज़ करें या चार करें, लेकिन चारों गाने अच्छे होने चाहिए। चलें ना चलें डिपेंड ऑन द ऑडियंस, बट आप सुन के ये ना बोले कि ये गाना बहुत बेकार है। जी मैं तो चाहूँगा सभी को करना चाहिए, स्पेशली जो लोग जिनका अच्छा नाम हो गया है। आई थिंक वो हर फील्ड में, चाहे को किसी एक्टर को प्रमोट करे, न्यू कमर्स को, और चाहे किसी सिंगर को, राइटर को, डायरेक्टर को, कंपोज़र को, तो बहुत बड़ा एक हेल्प हो सकता है, सपोर्ट हो सकता है। मैं नहीं कहता कि आप उनको 4 गाने गवाओ, 10 गाने गाओ, आप उनको सिर्फ एक चांस दो, एक चांस ही बहुत फर्क पड़ता है। तो दिस इज़ बड़ा हैप्पी सर। ज़्यादातर क्या होता है, जैसे बहुत पहले मैंने देखा था, एक बच्ची थी, छोटी सी 10 साल की बच्ची थी, वो बहुत ही अच्छा गाना गा रही थी लता जी का, बड़ा वायरल हुआ था वो, लेकिन फिर गायब हो गया। तो इसलिए डिजिटल हेल्प जरूर कर रहा है कि आपको अच्छा कंटेंट, एक अच्छा टैलेंट ढूंढ के लाता है, बट उसके लिए आगे कंपनी चाहिए जो उनको, बच्चों को आगे लेके जाए, ना कि हम सिर्फ उनको इनका म्यूज़िक लॉन्च करते हैं, बट साथ के साथ इनको मैनेज भी करते हैं कि व्हाट इज़ नेक्स्ट, क्या इनको परफॉर्म करना चाहिए, क्या गाना चाहिए, कैसे खड़ा होना चाहिए। ये सारी मैनेजमेंट हमारी पूरी टीम है, तो अगर सब जुड़ के करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू, आप कंटिन्यू करो। बहुत अच्छी रही है। इनफैक्ट मेरा जो टाइप का म्यूज़िक मैं गाती हूँ, इवन माई जॉनर इज़ अ लॉट ऑफ पार्टी म्यूज़िक एंड स्टफ़। सो डूइंग हुल्ले हुलारे इज़ एक्चुअली पंजाबी फोक एक्सप्रेशन, तो हमने उस एक्सप्रेशन को लेके बाकी एक पूरा नया गाना रिक्रिएट किया, कोई मेरा न्यू पार्टी ट्रैक ऑल टुगेदर। सो या इवन आई डिड समथिंग व्हाट ही डज, उनके जॉनर वाली वो चीज़ की मैंने, ऑब्वियसली उनके जैसे नहीं, एक अलग तरीके से, बट या कैसे हैं आप, कैसे 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 कैसे
बहुत 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 अच्छे हैं, उनसे सीखने बहुत मिलता है. जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, मीका जी जब म्यूज़िक पे आता है, लाइक ही कैन बी रियली स्ट्रिक्ट एंड स्टर्न, बट अदरवाइज ही इज़ अ वेरी नाइस मैन एंड ही इज़ वेरी हम्बल. बट म्यूज़िक की जब बात आती है, येस ही इज़ अ लिटिल स्ट्रिक्ट एंड आई थिंक दैट इज़ नीडेड. वो इवन जैसे हम एक इंस्टीट्यूशन में जाते हैं जहाँ पढ़ने जाते हैं, एक वो थोड़ी स्ट्रिक्टनेस एक्सटर्नल ज़रूरी होती है, इट जस्ट हेल्प्स अस ग्रो. सो इट्स जस्ट दैट वे. बाकी इज़ एन अमेजिंग पर्सन टू वर्क विद एंड यू गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम, बट ही डजंट लाइक एनी नेग्लिजेंस व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक. बहुत बहुत बड़ी बात होती है इनफैक्ट. एंड मीका जी इज़ नोन फॉर दिस. वो उन्होंने, आई एम जस्ट वन ऑफ द पीपल हु ही हैज़ सपोर्टेड एंड लाइक म्यूज़िक वाइज वो सबको बहुत, मैं तो खैर उनके साथ अभी बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ, उनके साथ शोज़ करी हूँ, बट आजकल भी लाइक जो नए आर्टिस्ट आते हैं, पीपल अप्रोच हिम, वो किसी को ना नहीं बोलते, वो सबको आगे आने का मौका देते हैं. जैसे आप अगर ओल्डेस्ट गोल्ड देखेंगे, उसमें काफ़ी सारे आर्टिस्ट फीचर हुए हैं विद सम यू नो डिफरेंट सॉन्ग्स एंड स्टफ. सो ही गिव्स अ चांस टू अ लॉट ऑफ पीपल. सो दैट इज़ very needed nowadays. I think people should support new people. Who's your favorite singer? My favorite performer artist in male singers is obviously Mika Singh, no one better. And in females, I would say I'm a Shreya Ghoshal fan. Okay, lastly, ek baar gaana se kaha ke sunaiye. Haan pari on hai aaj hai Saturday night, mote mote pehla ke ho ja sare full chai. Pari on hai है सैटरडे नाइट, मोटे मोटे पैदल आके हो जा सारे फुल साइड. हुल्ले हुल्ला रे, हुल्ले हुल्ले हुल्ले. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. हुल्ला रे अंडर द बैनर ऑफ म्यूजिक एंड साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वेंकीज एंड कैन एवरीबॉडी. ओके, एवरीबॉडी इज हियर. I once again thank all the media personnel who are a part of this press conference. We have with us the godfather of the company and basically a godfather of the Indian Bollywood singing industry, who's been giving opportunities to different talent across the globe and giving them platforms. None other than the king himself, who's so successful and lucky to give us all his artists an opportunity, one and only Mika Singh. Thank you so very much. And we also have with us our well-wishers, our support system, Navraj and Krishna. Thank you so very much for being a part of this press conference. And